ये वीडियो चैप्टर 8 का तीसरा और आखिरी हिस्सा है जिसमें हम स्टेशनरी वेव्स और डॉप्लर्स इफेक्ट पढ़ेंगे। जब हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं सुपरपोजिशन के अंदर, तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हैं, यानी दो वेव्स को हम सुपरपोज करा रहे हैं कि सुपरपोजिशन हो रही है। अगर इन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, और जिस मीडियम या इंस्ट्रूमेंट के अंदर से वो वेव्स गुजर रही हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वेव सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी मैच करिए, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी मैच करिए, तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हैं, जो कि देखने में ऐसी होती हैं कि अगर एक स्ट्रिंग है दो एंड से फिक्स्ड है, अगर इसमें स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो रही हैं तो आपको ऐसा सा स्ट्रक्चर नजर आएगा, देखने में रुका हुआ होगा पर एक्चुअली बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा होगा। इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट होता है उसको हम एंटी नोड और मिनिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट को नोड कहते हैं। इसके नोड और एंटी नोड की पोजीशन फिक्स्ड होती है, एंटी नोड हमेशा एंटी नोड रहता है, नोड हमेशा नोड रहता है। ऐसी वेव्स को हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि बांसुरी या फ्लैट, ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर स्टैंडिंग वेव्स हवा से जनरेट होती हैं और उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव्स कैसे जनरेट की जा सकती हैं। एक स्ट्रिंग जो दो एंड से फिक्स्ड है, इसको अगर हम सेंटर से छेड़ते हैं तो इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है। ये किस फ्रीक्वेंसी पे जनरेट होगी, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये रिलेशनशिप हमें मिलता है एक रिलेशन से, एफ ओवर एम अंडर रूट बराबर होता है स्पीड ऑफ द स्टैंडिंग वेव। F क्या है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, और M क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको डिवाइड किया, मास पर यूनिट लेंथ अंडर रूट लिया, तो आपके पास आ जाएगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो स्पीड होगी स्टैंडिंग वेव्स की वो क्या होगी। अब इस रिलेशनशिप की डेरिवेशन में हम नहीं जाते, मगर हम देखना चाहते हैं कि ये स्पीड किन चीज़ों पर डिपेंड करिए। स्पीड और वेलोसिटी का एक रिलेशनशिप है, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी, तो हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में देखना चाहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इस स्टैंडिंग वेव की, हम देख सकते हैं, हमें नजर आ रहा है कि ये आधी वेवलेंथ के बराबर है, ये पूरी होती तो ये ऐसी होती। तो इसकी वेवलेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर एल है तो ये वेवलेंथ लैम्डा बाय टू है, यानी वेवलेंथ को मैं लेंथ की टर्म्स में डिफाइन कर सकती हूँ, लैम्डा वेवलेंथ है टू टाइम्स एल। इस सिंपलेस्ट केस को हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ये इसकी फर्स्ट हार्मोनिक या फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हमने पिछली स्लाइड में जो तीन कंडीशंस देखी उसमें से तीसरी थी कि आपकी जो वेव्स आपस में सुपरपोज हो रही हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर हों। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये होती है कि आप एक स्ट्रिंग को छेड़ते हैं तो वो खुद ब खुद जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और वो एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। फर्स्ट हार्मोनिक होता है, फिर सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो फर्स्ट हार्मोनिक सबसे जो हाईएस्ट वेवलेंथ होती है वो होती है, और इस स्ट्रिंग की ये है। इसके बाद अगर मैं स्ट्रिंग को एक और जगह से प्लग करती हूँ, इस जगह से प्लग करती हूँ, तो फिर इसके अंदर दो नोड्स पैदा हो जाएंगे यूं करके, ये अच्छा फिगर नहीं बना, मैं इसको दोबारा बनाती हूँ। ये स्ट्रिंग अगर स्ट्रेट लाइन में ऐसा है तो इसके अंदर दो नोड्स पैदा हो जाएंगे, और चूंकि स्टेशनरी वेव्स है तो हमें यू नजर आएंगे। इस केस में लेंथ हमारी लैम्डा के बराबर होगी। तीसरा केस हम लेते हैं जिसमें तीन एंटी नोड्स, सॉरी तीन उसके अंदर, हाँ तीन एंटी नोड्स पैदा हों, फिर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस केस में क्या होगा कि हमारी लेंथ बराबर होगी थ्री टाइम्स लैम्डा बाई टू के, तीन हाफ लेंथ इसके अंदर है, ये लैम्डा बाई टू होता है, ये लैम्डा बाई टू होता है, ये लैम्डा बाई टू होता है, ये तीन है, एक दो तीन, तो थ्री लैम्डा बाई टू। इस केस में कितना था, वन होल लैम्डा, दो दफा लैम्डा बाई टू था, इसमें कितना था, एक लैम्डा बाई टू था। अब हमारे पास इससे एक रिलेशनशिप आ गया, मैं इसको यूं लिख सकती हूँ, टू टाइम्स एल ओवर थ्री इज इक्वल टू लैम्डा। वेवलेंथ की टर्म्स में हम लिख रहे हैं कि वेवलेंथ कितने के बराबर है। वेवलेंथ का एक जेनेरिक फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकेंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है। थर्ड हार्मोनिक में नीचे थ्री आ रहा है, सेकेंड हार्मोनिक में नीचे टू आ रहा है, फर्स्ट हार्मोनिक में नीचे वन आ रहा है। तो लैम्डा और सबके न्यूमरेटर में क्या है, टू एल टू एल टू एल, तो लैम्डा टू एल डिवाइडेड बाय एन है, जबकि एन हमारा हार्मोनिक है, कौन सा वाला हार्मोनिक की हम बात करें।
इस रिलेशनशिप से मैं इस पिछले वाले रिलेशनशिप के अंदर मैं लैम्डा की वैल्यू डालती हूँ, तो मेरे पास वी क्या आ जाएगा, 2L/n टाइम्स फ्रीक्वेंसी। अब ये वी की वैल्यू मैं इस रिलेशनशिप में पुट करना चाहती हूँ ताकि मैं स्ट्रिंग की टेंशन और मास की कोरिलेट करना चाहती हूँ फ्रीक्वेंसी के साथ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2L, और मैं फर्स्ट हार्मोनिक देख रही हूँ तो मैं सिर्फ n को 1 ले रही हूँ। F इज इक्वल टू अंडर रूट F/m, 2L को दूसरी साइड पे ले आती हूँ, 1/2L, यानी फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर मेरी स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है वो है 1/2 टाइम्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अंडर रूट टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी चीज की चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे मैं उसकी टेंशन चेंज कर सकती हूँ, मास पर यूनिट लेंथ चेंज करने की कोशिश कर सकती हूँ, लेंथ चेंज कर सकती हूँ। इफ स्ट्रेचिंग फोर्स टी ऑफ वायर इंक्रीजेस देन इट्स फ्रीक्वेंसी। वायर है और उसके ऊपर फोर्स टी अप्लाई किया गया है। टी टेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है मगर टेंशन दरअसल फोर्स ही होता है। जब हम फोर्स वायर्स या स्ट्रिंग्स के ऊपर लगाते हैं हम उसको टेंशन कहते हैं क्योंकि वो उसका एक स्पेशलाइज्ड केस होता है। तो हमारा सवाल ये कि जब हम स्ट्रेचिंग फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो उस वायर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्या वो कम हो रही है, बढ़ रही है, उतनी ही रह रही है, या कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ दीज। वायर की फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गई, वायर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो जैसे हमने डिस्कस किया हर चीज़ की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं इस वायर को प्लग करूंगी तो ये वाइब्रेट करेगी, एक स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, और उस स्टैंडिंग वेव की स्पीड का रिलेशनशिप हमने टेंशन के साथ पढ़ा था, अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ उस वायर का या स्ट्रिंग का। तो अब हमारा स्पीड का रिलेशनशिप है टेंशन के साथ मगर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप। तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप हमारे पास है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का प्रोडक्ट होता है स्पीड के बराबर। मैं स्पीड की जगह एफ टाइम्स लैम्डा लिख सकती हूँ। फ्रीक्वेंसी को मैं एक साइड पे लिखना चाहती हूँ तो मैं इसको यूं 1/λ टेंशन ओवर मास पर यूनिट लेंथ से लिख सकती हूँ। और अब मैं देख सकती हूँ कि जब मैं फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करती हूँ तो टेंशन न्यूमरेटर में है, टी भी ज़्यादा होगा यानी इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी। हम स्टैंडिंग वेव एयर कॉलम में देखना चाहते हैं। एयर कॉलम होते हैं जैसे एक बांसुरी होती है, ये दोनों एंड से खुली हुई होती है। इसके ऊपर तजर्बे करके पता चला कि इसका भी वही रिलेशनशिप होता है लैम्डा का, 2L/n। और इसके केस में क्या होता है कि हमारे किनारों पे एंटी नोड्स होते हैं और बीच में नोड होता है, क्योंकि ये किनारे खुले हुए होते हैं तो किनारों पे एंटी नोड्स होता है। अगर हमारा एयर कॉलम एक तरफ से बंद हो, अब इसमें लेंथ आपको नजर आ रही होगी, ये हाफ वेव लेंथ है एक्चुअली। अगर इसको कंप्लीट करें तो ये यूं करके कंप्लीट हो जाएगी, तो इसकी आधी वेवलेंथ मिसिंग है, ये लेंथ हाफ वेवलेंथ के बराबर है। अगर मैं इसी बांसुरी को एक साइड से बंद कर दूं और एक साइड से खुला रहने दूं, इस साइड से बंद कर दूं, तो यहाँ पर मेरा फिर मेरा नोड आ जाएगा और फिर मेरी लेंथ बराबर हो जाएगी लेमडा बाय 4 के। इस केस में मेरा लेमडा का फॉर्मूला हो जाएगा 4×L/n। तो इनकी डिटेल्ड डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे मगर हम ये देख सकते हैं कि जब हमने उसका एक एयर कॉलम एक तरफ से बंद किया तो हमारी लैम्डा का रिलेशनशिप लेंथ के साथ हाफ हो गया। अब हमारे पास आधी वेवलेंथ जनरेट होंगी जो हमारी बनिस्बत इसके के उस एयर कॉलम में जिसमें दोनों एंड्स ओपन थे। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रिंग इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट डायमीटर बिकम्स डबल। स्पीड का रिलेशनशिप था टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम डायमीटर ऑफ द स्ट्रिंग डबल करेंगे तो मास पर यूनिट लेंथ तो सेम रहेगा क्योंकि वो पर यूनिट लेंथ है। स्पीड के रिलेशनशिप में लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसलिए वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेगा, बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है 1/2L/f/m, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर असर पड़ेगा लेंथ चेंज करने से लेकिन स्पीड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन द effect on the speed of transverse wave in a string if tension in the string is increased 4 times. speed ka kya relationship hai tension ke sath, F/m. ab isko main agar 4 times increase karungi under the root to root se bahar nikal ke ye kya ho jayega, 2×F/m, yani speed hamari double ho gayi, speed becomes double. to ye humne simply tension ko 4 times kiya, under root, ye under root ke andar tha, under root se bahar nikala to 2 times speed ho gayi, double ho gayi.
वेक्टर्स इफेक्ट ये होता है कि अगर मेरे पास एक वेव सोर्स है जो कि वेव्स जनरेट कर रहा है और मैं उस वेव सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रही हूँ, अगर हम दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, यानी अगर मैं मूव कर रही हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं वेव सोर्सेज रिसीव कर रही हूँ, अगर मैं वेव सोर्स की तरफ जा रही हूँ या उससे दूर जा रही हूँ, या वेव सोर्स मेरी तरफ आ रहा है या मुझसे दूर जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि मुझे उस वेव सोर्स की असल फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई देती, बल्कि उसके बजाय मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कुछ और परसीव करती हूँ। इस इफेक्ट को कहते हैं डॉप्लर्स इफेक्ट। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब एक एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही होती है तो आपको जो उसके सायरन की आवाज़ है वो मुख्तलिफ आवाज़ सुनाई देती है, जब आपके पास आती है तो मुख्तलिफ आ रही होती है जो कि उसकी असल आवाज़ होती है, और फिर जब आपसे दूर जा रही होती है तो कोई और आवाज़ सुनाई देती है। इसको हम देखते हैं कि हमें जो फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही होती है वो असल में क्या होती है। सबसे पहले केस में हम देखते हैं कि ये सोर्स है और ये फ्रीक्वेंसीज एमिट कर रहा है फिक्स्ड, और हम इसकी तरफ जा रहे हैं। जब ऐसा होता है, सोर्स एक जगह पे खड़ा हुआ है और हम इसकी तरफ जा रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो मुझे फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होती है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फॉर्मूले से वी ओवर लैम्डा फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैं इस सोर्स की तरफ जा रही हूँ, ये मेरे और सोर्स के बीच में ये वेव फ्रंट्स हैं, ये फिक्स्ड हैं, मगर मुझे ये मैं ज़्यादा वेव फ्रंट्स काउंट कर लूँगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स या साइकिल्स पर यूनिट सेकेंड। तो मैं जब इसकी तरफ जाऊँगी तो अगर मैं इधर रुकी हुई होती तो मेरे पास एक आता, फिर दूसरा आता, फिर तीसरा आता, मगर मैं इसकी तरफ जा रही हूँ तो एक अभी मेरे पास आया नहीं होता वेव फ्रंट्स कि मैं पहले इसकी तरफ चली जाती हूँ। यानी स्पीड जो है ना वो चेंज हो रही है। तो मेरी जो परसीव फ्रीक्वेंसी होगी, इसको मैं एफ ए कहती हूँ, उसकी स्पीड में एक फ़र्क आ जाएगा। उसमें ऐड कर दें मेरी स्पीड को, जो ऑब्जर्वर की स्पीड है, तो वेव फ्रंट्स टोटल मेरे पास पहुँचने की स्पीड इन दोनों का सम हो जाती है, डिवाइडेड बाय लैम्डा। दूसरे केस में अगर मैं इस सोर्स से दूर जा रही हूँ तो क्या होता है, मैं इस सोर्स वेव सोर्स की स्पीड में से अपनी स्पीड सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक जगह पर रुकी रहती तो मैं एक वेव फ्रंट को उस वक्त काउंट कर सकती थी, मगर मैं इससे दूर चली गई तो वो मेरे पास थोड़ी सी देर से पहुंचेगा। अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं जिसमें सोर्स एक जगह पे खड़ा हुआ नहीं है, सोर्स मूव कर रहा है और मैं एक जगह पे खड़ी हुई हूँ, मैं जो कि ऑब्जर्वर हूँ। तो सोर्स जब मेरी तरफ आता है, अब सोर्स इधर पहुंच गया, तो जो वेव फ्रंट्स ये एमिट कर रहा होता है वो उतने ही रहते हैं, मगर वो कम जगह पे पूरे आने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या होता है कि मेरे पास स्पीड चेंज नहीं होती, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा होता है। अब आप देख रहे हैं इसकी वेव लेंथ चेंज हो रही है, ये एक जगह पे सब पूरे आने की कोशिश करेंगे, वी ओवर लैम्डा, लैम्डा चेंज हो जाएगा, लैम्डा में एक फैक्टर ऐड हो जाएगा। ये क्या फैक्टर ऐड होता है? ये सोर्स की स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लैम्डा बराबर होता है वी ओवर एफ के। तो हम कौन सी स्पीड लेंगे? हम सोर्स की स्पीड लेंगे, इसको हम यू एस कह देते हैं। तो मेरे पास जो अब स्पीड आ जाएगी, इसको मैं एफ सी कंसिडर करती हूँ, तीसरा केस है मेरा जिसमें सोर्स मेरी तरफ आ रहा है, वो बराबर होगी वी डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस यू एस ओवर एफ, जो कि मेरी ये डेल्टा लैम्डा है। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास टोटल आ जाता है एफ टाइम्स v डिवाइडेड बाय v माइनस यू एस, सिंपल सी कैलकुलेशन है। चौथे केस में क्या होगा? एफ डी, जिसमें सोर्स मेरे से दूर जा रहा है, उस केस में क्या होगा कि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी मुझे परसीव होगी वो लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा होगी। यही वाला जो डेल्टा लैम्डा है मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँगी, सॉरी इसमें ऐड कर दूंगी मेरी वेवलेंथ, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी, जब ये दूर जाएगा तो ज़्यादा होगी, करीब आएगा तो वेवलेंथ छोटी होगी, तो मैं इसमें ये चीज़ ऐड कर दूंगी। तो मेरे पास सिंपली v डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस यू एस ओवर एफ आ जाएगा।